हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। साथियों, इसरो में आई हुई है वैकेंसी, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं जो मैंने आपको जैसा कि बताया है, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, मैकेनिक, फायरमैन, ड्राइवर, कुक, और यहाँ पर जो आपके जो ड्राइवर होते हैं वैसे, और यहाँ पर इन पदों के लिए यानी कि कम क्वालिफिकेशन के लिए, जैसे कि हाई स्कूल पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। कुक के लिए केवल हाई स्कूल पास अभ्यर्थी कर सकते हैं और कुक बनाने खाना बनाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं बहुत ही कम क्वालिफिकेशन के साथ। तो क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप यहाँ पर, सैलरी वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर, अप्लाई कर सकते हैं इसी पे आपको क्लिक करके। और भी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, वो भी आप देख पाएंगे, इसरो की सारी वैकेंसीज यहाँ से देख पाएंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर जो आज फॉर्म भर के वो बताने वाला हूँ, कुक का यहाँ पर फॉर्म भर के बता दूँ या ड्राइवर का, सेम सभी का एक जैसा ही है। तो मैं आपको यहाँ पर फायरमैन का देखिए फॉर्म भर के बताता हूँ, जिसके भी लिए हाई स्कूल मांगा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, इसरो का यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडिडेट का फुल नेम यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर डालना रहेगा आपको अपनी ईमेल आईडी, जो एक्टिव ईमेल आईडी हो वो यहाँ पर आपको डालनी रहेगी। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी एक्टिव ईमेल आईडी डाल देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। फिर मेल कैंडिडेट है, कैटेगरी यहाँ पर आप अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर एक्स सर्विस मैन है तो आप यस करें, अन्यथा आप इसको नो भी कर सकते हैं। बाकी सभी चीजें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह अगर आप हैं तो इसको यस कर दें, ठीक है। सर्विस वगैरह यहाँ पर देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर देंगे आप अपने फादर का नाम, तो हम यहाँ पर अपने फादर का नाम दे देते हैं इस प्रकार से, ठीक। फिर आपके जो हाई स्कूल पास किया है उसका बोर्ड बताइए, कौन सा, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड, जो भी हो आपका बोर्ड। फिर किस साल में आपने पास किया वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो चलिए हम डाल देते हैं हमने किस साल में पास किया और कितने मैक्सिमम आपने जो प्रतिशत हैं वो प्राप्त किए, ये आपको इतना यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी फोटो सेलेक्ट करनी है, चूज फाइल पर क्लिक करके, और यहाँ पर फोटो अपनी इस प्रकार से लगा देनी है। यहाँ पर अपना सिग्नेचर लगा देना है, चलिए अपने सिग्नेचर भी लगा दिया और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से, ठीक। इतना आपको करना है जो पहला आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, ठीक। इतना करने के बाद देखिए आप नीचे जब आएंगे तो देखेंगे कि आपने जो भी फिलअप किया है वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर शो करने लगी है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अब जब नीचे आएंगे, फिर से एक बार ऊपर आएंगे तो देखेंगे सबसे पहले क्या सिलेक्ट करने को कह रहा है, डेट ऑफ बर्थ। चलिए डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको अक्टूबर करते हैं। तो ये आप यहाँ पर सही से फिलअप करिएगा। तो चलिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है हमारी 1 अक्टूबर 1997। इस जगह पर आपको अपना एड्रेस देना है, जैसे भी मैंने दिया है ऐसे एड्रेस दे दीजिए। यहाँ पर आप अपना स्टेट दे दीजिए, जिस स्टेट के आप हों वो स्टेट यहाँ पर आप दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए हमने स्टेट दे दिया, अपना पिन कोड दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, तो वो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो आपके नियरेस्ट कोई जो स्टेशन है वो स्टेशन का नाम दे दीजिए, जो भी आपके पास, आपके घर के पास जो सबसे पास में स्टेशन हो उसका नाम दे दीजिए। और इतना करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। बहुत छोटा सा फॉर्म है, बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं। तो जैसे ही आप इतना कर लेंगे तो ये आपके जो फॉर्म है उसका आप प्रीव्यू यहाँ पर देख पाएंगे, कुछ इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। ये आपका प्रीव्यू है, अगर आपको यहाँ पर सुधार करना चाहते हैं तो अभी आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, अगर आपको सुधार नहीं करना है तो इस सबमिट बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे, थैंक यू, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी यहाँ हमारा एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, आप ये देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, पोस्ट है, आपने किस पोस्ट के लिए किया है, फायरमैन के लिए किया है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपनी जो पोस्ट है वो सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा नंबर है, और इसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं अपना जो डेट ऑफ बर्थ हमने डाली थी, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम डाल देते हैं। चलिए तो हमने डेट ऑफ बर्थ ये डाल दी है, ठीक है। अब इस कैप्चर कोड को डालते हैं, फिर देखते हैं इस कैप्चर कोड को हम यहाँ पर डालेंगे DPG, और उसके बाद
6N, ठीक है। इतना करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका देखिए इस तरह से प्रिंट होकर आ जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, देखिए ये देखिए। तो ये आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिट हो चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो इसको आप प्रिंट भी ले सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करने के बाद चाहे तो आप इसको डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं यहीं से। अगर प्रिंट नहीं लेना चाहते तो आप इसको सेव कर सकते हैं, तो हम इसको सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पर। देखिए हमने यहाँ पर सेव भी कर लिया है इस प्रकार से। तो ऐसे आपको ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर करना है। और ये अगर जिन अभ्यर्थियों को फीस वगैरह जमा करनी रहेगी उनको यहाँ पर फीस भी जमा करने का ऑप्शन आएगा, तो वो फीस भी यहाँ पर जमा कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की। तो इस तरह से आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को आसानी से भर सकेंगे और उनको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए।